हेलो बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज 5.2 क्लास टेंथ से। और क्लास टेंथ की एक्सरसाइज कहती है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज़ द फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए एंड द एंथ टर्म ऑफ द एपी। मतलब जो एंड की टर्म होगी वो हमें या तो दी है या हमें निकालनी है। इसी तरह डी हमें निकालना है, कॉमन डिफरेंस जिसे कहते हैं, और ए मतलब फर्स्ट टर्म यदि क्वेश्चन में दे रखी है उनका प्रयोग करते हुए, जो नहीं दे रखा है वो हमें फाइंड करना है। इसके अंदर बहुत आसान है। इस एक्सरसाइज में हमारा जो फार्मूला होगा, जो पूरा यूज़ होगा, वो होगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन और डी। ये फॉर्मूला पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होने वाला है। इसके अलावा कोई भी फॉर्मूला इस एक्सरसाइज में यूज़ नहीं होगा। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का वो दे रखा है हमें ए इज इक्वल टू दे रखा है 7, डी इज इक्वल टू दे रखा है 3, और एन जो दे रखा है वो है 8। और ए एन हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें? ए एन। तो फार्मूला मैंने आपको बताया क्या होगा। तो देखिए, ए एन इज़क्वल टू किसके होगा? ए प्लस एन माइनस वन और डी के। ठीक है, तो ए बराबर, ए क्या है हमारे पास? 7। 7 प्लस एन कितना है हमारे पास? एन है 8 माइनस वन, और डी कितना है हमारे पास? 3। तो 7 प्लस 8 में से 1 माइनस कर देंगे आप तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 7। 7 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 21। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 28। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट है हमारा। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि ए इज इक्वल टू -18 और डी हमें फाइंड करना है। इसमें एन हमें दे रखा है और ए एन हमें दे रखा है 0। तो फार्मूला सेम होगा कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी के। ठीक है, ए एन कितना है हमारे पास? 0। ए कितना है हमारे पास? माइनस का 18 प्लस एन कितना है हमारे पास? 10 माइनस वन, और डी हमें इसमें फाइंड करना है। तो देखिए क्या होगा इसमें। -18, 10 में से 1 माइनस कर देंगे 9, 9 की मल्टीप्लाई डी से हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? 9D। क्या हो जाएगा हमारा? 9D। अब डी इज़क्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? 18 अपॉन में किसके? 9 के। ठीक है, 9 2 18, तो डी इज़क्वल टू कितना आ गया हमारा? 2। तो हमारा इसमें डी कितना आ गया? 2 आ गया स्टूडेंट। अब हमें थर्ड पार्ट करना है इसका। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट कह रहा है कि ए हमें फाइंड करना है। इसमें क्या फाइंड करना है? इसमें ए और डी हमें दे रखा है माइनस का 3, और एन दे रखा है हमें 18, और हमें फाइंड जो करना है वो ए एन फाइंड नहीं, ए एन दे रखा है हमें माइनस का 5। सॉरी बच्चों, ए फाइंड करना है इसमें। ए एन हमें दिया है, ए एन हमें दिया हुआ है, इसके अंदर गिवन है। तो ए एन क्या होगा? ए एन इज़क्वल टू होगा ए प्लस एन माइनस वन और डी के। तो देखिए, ए एन कितना है हमारे पास? -5, तो यहाँ पे -5 आ जाएगा। ए कितना है हमारे पास? फाइंड करना है। एन कितना है हमारे पास? 18 है -1, और डी कितना है हमारे पास? माइनस का 3। तो माइनस का 5 इज़क्वल टू ए प्लस 18 में से 1 माइनस कर दिया, कितना हो गया? 17। 17 की 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 आ जाएगा। ठीक है, अब यदि आप इसे सॉल्व करेंगे तो ए इज़क्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? ए इज़क्वल टू हो जाएगा 51, या आप इसको इस तरीके से कर लें, कंफ्यूज नहीं होगे नहीं तो। माइनस का 5, इसको इधर ले आएंगे तो किसका हो जाएगा? ये प्लस का 51 इज़क्वल टू ए, इसको माइनस करेंगे आप दोनों 11 फिल्म 46 हो जाएगा, 46 ए।
मतलब ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 46। सिंपल तरीके से कर दिया मैंने, इसको इधर लिया है तो प्लस का हो गया और ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। अब देखिए इसका अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है कि ए इज़क्ल टू दे रखा है हमें माइनस का 18.9 और डी दे रखा है हमें 2.5। जो एन है वो हमें फाइंड करना है इसमें, वो हमें गिवन नहीं है, और ए एन हमें गिवन है वो है 3.6। फार्मूला सेम होगा इसका भी कि ए एन इज़क्ल टू ए प्लस एन माइनस वन डी के। ए एन हमें दे रखा है 3.6 इज़क्ल टू ए हमें दे रखा है माइनस का 18.9 प्लस एन हमें फाइंड करना है, और डी कितना है हमारे पास 2.5। तो 3.6 इज़क्ल टू माइनस का 18.9। आगे देखें आगे क्या करना था, ठीक है, प्लस एन, चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर लें ना करें छोड़ें इसे, 2.5। तो क्या करेंगे देखिए, 3.6 इसको इधर ले आएंगे, प्लस का हो जाएगा ये 18.9 हो जाएगा, प्लस या तो आप मल्टीप्लाई कर लें इसकी, नहीं तो अभी ऐसे ही छोड़ दें इसको, बाद में हम इसको सॉल्व करते हैं। अभी इधर लिया है ना, इक्वल टू लगा देते हैं यहाँ पर, इक्वल टू, ठीक है। अब दोनों को प्लस कर लेते हैं, 9 और 6 कितना हो गया 15, और 18.9 को 3.6 से यदि ऐड करेंगे आप तो आएगा हमारा 22.5 हो जाएगा, और इसको इसके डिवाइड में लिया है तो कितना आएगा 2.5 होगा इक्वल टू एन माइनस वन। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, और इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे 9 बार, तो 9 इसको इधर ले आएंगे दूसरी तरफ तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो एन टर्म अब हमारी आसानी से आ जाएगी। 9 और 1 कितना होता है 10, मतलब जो एन आएगा हमारा 10 आ जाएगा, बहुत आसानी से हो गया ये भी। और फिफ्थ पार्ट क्या है हमारा, ए इज़क्ल टू दे रखा है हमें 3.5, डी दे रखा है हमको 0, और एन दे रखा है 10.5। तो हमें ए एन फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ए एन। तो ए एन कैसे फाइंड करेंगे आप, ए एन इज़क्ल टू होगा ए प्लस एन माइनस वन और डी के, ये तो फार्मूला कर रहे हैं हम बार बार। तो ए एन हमें फाइंड करना है इसमें, ए एन इज़क्ल टू ए कितना है 3.5 प्लस एन कितना है हमारे पास 10.5 माइनस वन, और डी कितना है हमारे पास 0। तो ए एन 3.5 हो गया यहाँ पर, 10.5 में से इसको आप 1 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 9.5 इंटू 0। तो ए एन हो जाएगा हमारा 3.5, और 9.5 की मल्टीप्लाई यदि आप 0 से करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 0 ही आएगा, और 3.5 को जब हम 0 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 3.5। आई होप आपको चारों क्वेश्चन समझ में आए हों, और इसके पांचों पार्ट समझ में आए हों, और यदि समझ आया बच्चे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।